नमस्कार, गायत्री ज्योतिष केंद्र में आप सभी लोगों का स्वागत है। आप लोगों के लिए हमेशा ही ज्योतिष शास्त्र से जुड़ी महत्वपूर्ण जानकारी के एपिसोड हम समय समय पर प्रसारित करते रहते हैं। ज्योतिष शास्त्र की हर विधा से संबंधित जानकारी हम आप लोगों के लिए लेकर आते हैं। इस अवधि में आप लोगों के लिए कुंडली विश्लेषण से संबंधित जानकारी हम नियमित तौर पर प्रसारित कर रहे हैं, और विशेष तौर पर कुंडली विश्लेषण उन लोगों का जिन्हें समाज में विशेष स्थान प्राप्त है, सेलिब्रिटी जिन्हें हर कोई लोग जानते हैं। उनमें से भी हम आप लोगों के लिए हर प्रकार की पत्रिका लेकर आ रहे हैं कि बहुत से ऐसे लोग जिन्होंने जीवन में उच्च मुकाम को छुआ और एकदम से धरातल पर आ गए, और ऐसे लोग जो निरंतर तरक्की दिन प्रतिदिन करते रहे और सदाबहार हमेशा बने रहे, अपनी तरक्की को लगातार उन्होंने नए आयामों तक पहुंचाया। तो आज हम आप लोगों के लिए बॉलीवुड अभिनेता जिन्हें हर कोई जानता है, अक्षय कुमार जी की जन्म पत्रिका लेकर आए हैं। इसका विश्लेषण आज हम आप लोग के बीच करेंगे। साथ ही YouTube पे या हर जगह पे जहां पर भी अक्षय कुमार जी की जन्म पत्रिका का विश्लेषण हुआ है, तो वहां पर को यही जन्म दिनांक 9 सितंबर 1967 और दिन में 12:05 अमृतसर का जन्म मानते हुए की गई है। तो इसी चीज को, इसी डेट ऑफ बर्थ, टाइम, प्लेस को मानते हुए हम भी उनकी जन्म पत्रिका का विश्लेषण करेंगे। तो किस तरह से अक्षय कुमार जी सदाबहार बने हुए हैं, किन ग्रहों के कारण उन्हें लगातार लगभग लगभग तरक्की पे तरक्की मिलती रही, अप डाउन तो जीवन में लगा रहता है, लेकिन एक मुकाम उन्होंने हासिल किया, एक जो कि फिल्मी बैकग्राउंड से, जैसा सभी लोग जानते हैं, वो नहीं आते हैं, उनको कोई पीछे से कोई बहुत बड़ा सपोर्ट नहीं था। अपने बलबूते पे उन्होंने काफी मेहनत करके एक मुकाम बनाया, लेकिन उस मुकाम तक नहीं पहुंच पाए जिस मुकाम तक अमिताभ बच्चन जी है, या एक प्रकार से आज के दौर में हम कहते हैं शाहरुख खान, सलमान खान। तो वहां पर तक जो नहीं पहुंच पाए, किन ग्रहों के कारण नहीं पहुंच पाए, ये चीज भी हम जन्म पत्रिका में संक्षिप्त तौर पर देखेंगे। वैसे तो अगर आप लोगों ने कुंडली विश्लेषण इनका देखा होगा तो अन्य जगह पे भी देखा होगा, फिलहाल हमने तो कहीं नहीं देखा। हम अपनी जो जी राय है, अपना अनुभव है, जो हमारा आज तक का जन्म कुंडली विश्लेषण का, ग्रहों की जो हमारी जानकारी है, उस अनुसार हम इनका विश्लेषण करेंगे। तो इनकी जो लग्न बनता है, वृश्चिक लग्न बनता है और तुला राशि इनकी बनती है। तो इनके पहले ग्रह से हम संक्षिप्त विश्लेषण करते हैं। पहले ग्रह जो सूर्य दशमेश होकर दशम भाव में बैठे हुए हैं, और अपने घर में बैठे हुए तो काफी अच्छे हैं। राज काज यानी कि जीवन में तरक्की आदि के लिए मान सम्मान, यश पद प्रतिष्ठा, वैभव सम्मान, वृद्धि, हर वृद्धि तरक्की आदि के लिए यह सूर्य बहुत अच्छे हैं। लेकिन यहाँ पर को शुक्र, जो कि उनके शत्रु है, और वैसे देखा जाए तो ऑल ओवर इस जन्म पत्रिका में अपने स्थान पर ही बैठे हुए हैं, तो ये परम शत्रु हैं एक दूसरे के, प्रभावित भी करते हैं कहीं ना कहीं इनमें से बहुत सी चीजों को। जैसे यह दशम भाव पिता का भाव भी कहा जाता है, सूर्य पिता के कारक भी होते हैं, और भी कई चीजें हैं, तो इन चीजों को प्रभावित करते हैं, आगे को हम देखेंगे। तो सूर्य लगभग लगभग ठीक स्थिति में है, जीवन में यश सम्मान देने वाले हैं, जीवन में तरक्की देने वाले हैं, आदमी को एक पहचान देने वाले ग्रह के तौर पर सूर्य दशम भाव में विराजमान है। हो सकता है थोड़ा पिता से दूरी, पिता सुख में कमी सूर्य अवश्य कर सकते हैं, क्योंकि शुक्र का यहाँ पर को बैठने के कारण। दूसरे जो ग्रह है चंद्र ग्रह, चंद्र ग्रह जो कि भाग्य से है और द्वादश में बैठ गए, भाग्य के स्वामी का द्वादश में बैठना, तो जीवन में यह माना जाता है कि व्यक्ति जितनी मेहनत करता है, जितना वो मेहनत करेगा, जितने वो एफर्ट देगा, भाग्य उसका उतना साथ नहीं देगा, उतनी मेहनत का उसको पूर्ण फल प्राप्त नहीं होगा। भाग्य साथ देगा, लेकिन जितनी मेहनत उसकी है, जितने एफर्ट है उसके, जो वो सोचता है, उतना उसे मिलने में रुकावट पैदा होती है। भले ही यहाँ पर को उच्च के बृहस्पति बैठे हुए हैं त्रिकोण के स्वामी होकर, वो अलग बात है, भाग्य ने दिया, वरना एक बिना फिल्मी बैकग्राउंड से आने के बावजूद व्यक्ति का चमकना ऐसे नहीं चमक सकता है, उसके पीछे बृहस्पति का उच्च का होना काफी सहायक है। किंतु भाग्य इसका द्वादश में बैठना, पूर्ण मेहनत का प्रतिफल नहीं दे पाना, अगर पूर्ण प्रतिफल मिलता तो शायद आज बहुत बड़े उन्हें हम महानायक, या जो अमिताभ बच्चन को जी को जो दर्जा प्राप्त है, या अन्य उनके समकक्ष दिलीप कुमार जी हैं और शाहरुख खान आदि लोगों को जो दर्जा प्राप्त है, वो उनको प्राप्त नहीं है जहाँ तक हम जानकारी रखते हैं, या अन्य लोगों की जो राय है जिस इनके इस बारे में। तो
चंद्र ग्रह का द्वादश में होना कुछ कमजोर है, इसके लिए चंद्र ग्रह जनित उपाय आदि। कभी किसी व्यक्ति का ऐसा होता है, यहाँ पर कोई सिर्फ उनकी तो हम विश्लेषण कर रहे हैं, साथ ही यहाँ पर कोई ये चीज भी हम आप लोगों को बता रहे हैं। यदि आप लोगों को थोड़ी बहुत भी अपनी जन्म पत्रिका की जानकारी है, यदि किसी गुरु जी को दिखाते हैं वहां पर को वह पत्रिका ग्रह आदि बताते हैं, तो वहां पर को वो उपाय आदि कर लीजिए। अगर ऐसी स्थिति कुछ हल्की फुल्की मैच होती है तो कौन सा ग्रह रत्न आदि लगता है, क्या उपाय करने हैं, ये चीज भी आप जान सकते हैं। अब तीसरे ग्रह के बारे में बात करते हैं, मंगल ग्रह। मंगल ग्रह लग्नेश होकर लग्न में बैठे हैं, षष्ठेश भी है। अब लग्न में होकर मंगल का अपने घर में बलि होना एक बहुत विशेषता रहती है मंगल की। मंगल कहीं पर भी हो, विशेष तौर पर त्रिकोण में हो, शुभ स्थानों पर हो, तो व्यक्ति को विशेष चीज में दक्ष बनाता है। मंगल को सेनापति का दर्जा प्राप्त है, युद्ध कौशल आदि में मंगल को निपुण माना जाता है। या मंगल कहीं भाव के अनुसार, अगर कहीं अच्छे भाव में बैठा है तो किसी अन्य चीज में व्यक्ति को निपुण बनाता है। तो यहाँ पर को मंगल युद्ध कौशल आदि के लिए, लग्नेश होकर अपनी सुरक्षा आदि की चीजों का विशेष निपुण व्यक्ति को बनाता है। तो ये भी देखा जाता है कि ताइक्वांडो आदि, जूडो, कराटो आदि, कराटे आदि भी से भी अक्षय कुमार जी का ताल्लुक है, इसमें वो काफी निपुण है। तो ये मंगल की विशेषता के कारण, क्योंकि लग्न में मंगल बलि हो गया है और मंगल को सेनापति, युद्ध कौशल में निपुण ग्रह का दर्जा भी प्राप्त है। अब इसके तो मंगल की जन्म कुंडली में लगभग लगभग स्थिति ठीक है। षष्ठेश होने से और इनके भाव घर में राहु के होने से तो शत्रु बाधा जीवन में रह सकती है, गुप्त शत्रु आदि, ये चीजें तो सामान्य तौर पर हर जगह पे रहती है। नकारात्मक लोग, अपने को न चाहने वाले लोग, इन चीजों की चीजें ये बनी रहती है फिलहाल। फिर भी राहु का यहाँ पर वो होना शत्रुनाशक, रोगनाशक माना जाता है इनके घर। अब हम चौथे ग्रह की बात करेंगे, बुध ग्रह। बुध ग्रह जो कि जन्म कुंडली के अष्टमेश हैं और लाभेश हैं और लाभ भाव में ही बैठे हुए हैं, और उच्च के कन्या राशि में बुध को स्वग्रही तो होते ही होते हैं, साथ में यहाँ पर को इनको उच्च का भी माना जाता है, साथ ही यह अस्त है। तो किसी न किसी प्रकार से यहाँ पर को बुध का एक फल यह है कि वो लाभ भाव में बैठे हैं। लाभ भाव में बैठा हुआ कोई भी ग्रह कभी भी खराब फल नहीं देता, और लाभेश होकर लाभ भाव में बैठना और उच्च का होना काफी मजबूत बनाता है। भले अस्त का थोड़ा दोष है तो व्यक्ति कभी भी हानि में नहीं आता है, भले ही उसे लाभ नहीं हो, सारे लोगों को हानि हो सकती है लेकिन व्यक्ति को हानि नहीं पहुंचेगी। व्यक्ति किसी न किसी तरीके से लाभ की स्थिति में रहेगा जहां पर को हानि होनी चाहिए। तो बुध का एक यहाँ पर को विशेष फल है। तो लगभग लगभग बुध की स्थिति भी जन्म कुंडली में ठीक है। और वैसे देखा जाए, देखो ऑल ओवर, अभी हम बात बृहस्पति की भी करते हैं पहले। बृहस्पति ग्रह जो कि जन्म कुंडली के धनेश हैं और पंचमेश हैं और भाग्य के भाव में उच्च के बैठ गए हैं, यानी कि काफी मजबूत स्थिति में है, शुभ है। जीवन में धन की कोई कमी नहीं, धन परिवार आदि की कोई कमी नहीं, रही परिवार का सुख उनको पूर्ण प्राप्त है, अच्छे मित्र आदि सब कुछ व्यक्ति को मिलता है अगर कोई भी हो यहाँ पर कोई ऐसी स्थिति वाला, और धन की जीवन में कोई कमी नहीं रहेगी। पंचम भाव प्रेम भाव, विद्या बुद्धि संतान भाव, तो यहाँ पर को इसके स्वामी का यदि उच्च में होना तो प्रेम में सफलता, संतान सुख और कुशाग्र बुद्धि आदि व्यक्ति को प्राप्त होती है। ये गुरु ग्रह का स्वाभाविक फल है और जो देते ही देते हैं। तो गुरु ग्रह की स्थिति जन्म कुंडली में बहुत अच्छी है। अब इसके बाद अगले ग्रह आते हैं, शुक्र ग्रह। शुक्र ग्रह जो कि अभिनय के भी कारक है, और वैसे पंचम भाव को भी, पंचमेश को भी अभिनय का कारक कहा जाता है। जैसे मानते हैं जो जिस तरीके से खेल का, अभिनय का पंचम पंचमेश को कारक माना जाता है, तो इस स्थिति से भी पंचमेश बृहस्पति अपने घर में उच्च के बैठे हुए हैं और दूसरा शुक्र जो है केंद्र के बैठ गए हैं, राशि के स्वामी होते हुए। तो व्यक्ति भले किसी भी बैकग्राउंड में था लेकिन कहीं ना कहीं वह अभिनय कला के क्षेत्र में अवश्य आया, क्योंकि तो शुक्र को कला का, कला प्रेमी, कला का क्षेत्र वाला माना जाता है। पंचम भाव को भी कला से संबंध उसका रखा जाता है, तो इस वजह से अभिनय के क्षेत्र में आना और दशम भाव में शुक्र का बैठ जाना, यानी कि रात काज साम भाव, रोजी रोटी भाव हुआ है, मान सम्मान, यश पद प्रतिष्ठा, उन्नति वृद्धि ना, विख्यात ख्याति का भाव दशम भाव को कहा जाता है, यहाँ पर बैठ जाना, तो व्यक्ति को ये चीजें देता है। लेकिन पूर्ण तौर पे जो पूर्ण ख्याति, जो उसके एक मेहनत, उसकी सोच के अनुसार उसे जो प्राप्त होनी चाहिए, उसमें यह दो ग्रह आपसी शत्रुता होने के कारण, और परम अधि, जैसे एक मित्र मित्र अधिमित्र होता है, शत्रु शत्रु अधिशत्रु होता है, तो ये अधिशत्रु बने हुए हैं। तो
एक दूसरे को ये कभी भी डैमेज करते रहेंगे। तो ये व्यक्ति को कितनी ही एफर्ट कर ले तो पूर्ण फल यह कभी होने में नहीं देंगे। साथ में चंद्रमा भी जो है वह अभी द्वादश में चला गया है भाग्य इसका कि चलो कहीं हमें भाग्य का साथ मिले तो ऐसा होने में कमी रही। अब इसके बाद अगले ग्रह जो कि एक प्रकार से बहुत मजबूत स्थिति के ग्रह भी है, तृतीयेश व चतुर्थेश होकर शनि पंचम भाव में बैठे हुए हैं यानी कि त्रिकोण में बैठे हुए हैं, वक्री है यहाँ पर को, किंतु शनि ने और गुरु ने सबसे ज्यादा 6 भाव घेरे हुए हैं। शनि ने 1 भाव, तीसरा, दूसरा, चौथा, तीसरे, पांचवे भाव में बैठे हैं। इसके अलावा शनि जिस स्थान पर होते हैं उनकी अपने स्थान से तीसरी, सातवीं, दसवीं पूर्ण दृष्टि होती है। शनि को, मंगल को, गुरु को विशेष दृष्टि का दर्जा प्राप्त है। जैसे शनि के लिए तीसरी, सातवीं, दसवीं दृष्टि, मंगल के लिए चौथी, सातवीं, आठवीं अपने स्थान से पूर्ण दृष्टि रखते हैं। जैसा वो सप्तम दृष्टि में रखते हैं, जैसा अपने घर में वह फल देते हैं, ऐसा ज्योतिष शास्त्र कहता है। इसी तरीके से गुरु ग्रह के लिए पंचम, सप्तम, नवम अपने स्थान से पूर्ण दृष्टि रखते हैं इन स्थानों पर। साथ में राहु केतु के लिए भी कहा जाता है कि पंचम, सप्तम, नवम, लेकिन बहुत से ज्योतिषी उनको सप्तम दृष्टि को ही पूर्ण मानते हैं, उसको 1/4 कहते हैं कि मानना चाहिए, लेकिन उतना ज्योतिष शास्त्र में बहुत विशेष गणना में देखते हैं, नहीं तो वो ये गणना कोई नहीं करता है। तो इस हिसाब से यदि हम देखे जाए तो शनि को 1 भाव सप्तम भाव भी प्राप्त है, दूसरा सातवां स्थान लाभ भाव, और जो 10वां है वह धन भाव, यानी कि इस साइड के जो हमारे बाएं साइड आ रहा है इस साइड को, तो बाएं साइड पे 1, 2, 3, 4 भाव इन्होंने लिए हुए हैं। इसके अलावा 2 अन्य भाव भी जो मजबूत भाव है, लाभ भाव, सप्तम, स्त्री भाव, व्यापार भाव, बिजनेस आदि का भाव, और धन भाव, पराक्रम, हिम्मत का भाव, विपरीत परिस्थितियों में भी आगे निकल आना, कोई हमें दबा नहीं सकता है, इस तरीके का सुखे अपने बलबूते पे नाना संपत्ति अर्जन करना, सभी सुख सुविधाओं को अर्जन करना, और पंचमेश कुशाग्र बुद्धि प्राप्त करना, प्रेम में सफलता प्राप्त करना, और इसके अतिरिक्त क्या कहते हैं संतान से सुख प्राप्त करना, इन चीजों का शनि को ऑल ओवर जो एक विशेष जो फलित दृष्टि होती है आदमी की, ये नहीं कि भाई ये इतने डिग्री में है, ये इतने डिग्री, डिग्री की मान्य बहुत कम होती है। तो वहां पर को देखा जाता है कि अस्त उदय, जब व्यक्ति बहुत बड़े संकट में हो तो वहां पर को देखा जाता है कि भाई सुषुप्ति अवस्था है, कौन सी अवस्था है, जागृत अवस्था है, बाल्यावस्था में है, युवावस्था में है, वृद्धावस्था में है, तो वो ये चीजें बहुत बारीक उसमें देखी जाती है। तो यहाँ और लेकिन ऑल ओवर जो एक फलित विद्वान ज्योतिषी होंगे वो इन चीजों को न देखते हुए मात्र ग्रहों को देखते हुए वहीं पर को व्यक्ति को सटीक फल वह बता देते हैं कि भाई कौन सा ग्रह कैसा है, कौन से ग्रह से तुम्हें फल प्राप्त होगा और किस ग्रह के लिए क्या आराधना करनी चाहिए। तो यहाँ पर को शनि को पूर्ण 6 दृष्टि प्राप्ति है। इसके अलावा गुरु ग्रह, क्योंकि मंगल अपने ही घर में बैठे हुए हैं, तो क्योंकि मंगल को भी दृष्टि ज्यादा प्राप्त है, तो गुरु ग्रह को अपने स्थान से 5वीं, 1, 2, 3, 4, 5 मंगल के घर में दृष्टि है उनकी, और दूसरा क्या कहते हैं सप्तम दृष्टि यहाँ हो गई इनकी, 7, 8, 9 अपने घर में भी दृष्टि है, तो लगभग लगभग, लेकिन शनि को ज्यादा बल प्राप्त इसमें हो रहा है। भले गुरु उच्च के भी है तो लेकिन मेन भाव जो है उन्होंने एक प्रकार से एक साइड को दबदबा अपना बना रखा है, अलग अलग जगह पे नहीं। अब इसके बाद आते हैं राहु ग्रह, 6ठे स्थान पर राहु और द्वादश स्थान पर केतु अनुकूल होते हैं। यहाँ पर को राहु केतु परिस्थितियों के अनुसार व्यक्ति को फल देते हैं। जब बहुत खराब स्थिति में आ जाएंगे, राशि में आ जाएंगे, या किसी कारणवश महादशा आदि में खराब स्थिति में आ जाएंगे तो व्यक्ति को कष्ट प्रदान करते हैं, अन्यथा नहीं। अभी जो हमने इनमें देखा कि इनमें 2016 से 2036 तक शुक्र की महादशा चल रही है, जो कि ठीक है, शुक्र की महादशा काफी अच्छी इनकी मतलब क्या कहते हैं रहेगी, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि शुक्र राशि के स्वामी भी है और सप्तमेश भी है, दशम भाव में बैठे हैं, कैरियर चलता रहेगा, और कहीं ना कहीं जिस तरीके से बुध की स्थिति है भाई, हानि की स्थिति नहीं आएगी कहीं पर रुक, और भाग्य भले ही एफर्ट का पूर्ण फल नहीं मिलेगा लेकिन फल मिलेगा, गाड़ी चलती रहेगी, रुकेगी नहीं। तो अब इस जन्म पत्रिका में यदि हमें कुछ आगे को अपने लिए हम कुछ कर सके कि भाई हमें थोड़ी बड़ी सफलता में वृद्धि हो जाए, भाग्य का साथ मिल जाए, हमारा लक हमारा साथ दे दे, कुछ ऐसा कुछ हो सके जो ग्रह, यदि ज्योतिष शास्त्र सत्य है तो अगर कुछ हो सकता है तो क्या करना चाहिए। यदि किसी अन्य की व्यक्ति की भी कुंडली है, उसके ग्रह कुछ ऐसे मिलते हैं तो क्या करना चाहिए। अब देखिए हम सबसे पहले जो सबसे महत्वपूर्ण बात है कि सुलभता जो है कि हर व्यक्ति की है कि भाई रत्न पहन ले। रत्न एक ऐसी चीज होती है कि व्यक्ति उसको पहन ले तो उसके बाद लगभग वो पूजा पाठ ना भी करे तो उसको कहीं ना कहीं फल वो सोचता है कि रत्न पहनने से ठीक हो रहा है। अगर पूजा पाठ रुक गई तो व्यक्ति के मन में भय हो जाता है, मैंने आज नहीं की,
कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ वो गड़बड़ हो गई है, मेरे को फल नहीं प्राप्त होगा, संशय पैदा हो सकता है, लेकिन रत्न जड़ी आदि में कोई संशय पैदा नहीं होता है। तो रत्न को सबसे सुलभ और सबसे ज्यादा प्रतिफलदायी माना जाता है। अब हम रत्नों की बात करते हैं कि जो इनके मेन रत्न बनते हैं, जैसे मंगल का रत्न मूंगा। अब मंगल अपने ही घर में बैठे हैं और सस्टेस भी हैं, तो मंगल का रत्न कोई फायदा नहीं दे सकता है। अगर मंगल जनित कोई हेल्थ वाइज कोई प्रॉब्लम है, ऐसे जात किसी जातक को जिनका वृश्चिक लग्न है, सस्टेस और मंगल लग्न में बैठ गए हैं, अगर इस प्रकार की कोई प्रॉब्लम आदि आती है, तो उस समय पे हनुमान जी की आराधना करना बहुत अच्छा रहेगा, बहुत बढ़िया रहेगा। और ऐसे जातक को तो जिसका लग्न में मंगल है, क्योंकि मांगलिक दोष को भी उत्पन्न करता है, कई चीजें भी हैं, और बहुत आदमी को आक्रामक क्रूर प्रवृत्ति भी देता है, तो ऐसे व्यक्ति को तो हनुमान जी का उपासक होना ही चाहिए। हनुमान जी की उपासना से ऐसा व्यक्ति शारीरिक तौर पर मजबूत, ऐसे व्यक्ति को कोई दबा नहीं सकता है। मूंगा रत्न वो फल नहीं दे सकता जो मंगल ग्रह की आराधना देगी। और वैसे अगर व्यक्ति मूंगा पहनेगा तो भी कोई उसको ज्यादा फायदा मिलने वाला नहीं है। कुछ एक हो सकता है, थोड़ा सा कुछ शून्य से एक हो जाए, एक से दो हो जाए, लेकिन जो हम उम्मीद करेंगे कि 19-20-100 हो जाए, तो ऐसा नहीं होगा। दूसरे रत्न की बात करते हैं, पंचमेश का रत्न। पंचमेश यानी कि गुरु का रत्न पुखराज, गुरु की स्थिति। गुरु धनेश भी है, साथ मार्कंडेय भी कहा जाता है, दूसरा पंचमेश भी है और उच्च के बैठे है। जब ग्रह उच्च का बैठा है तो उसके रत्न की कोई जरूरत ही नहीं है, क्योंकि ऑलरेडी वो फल दे रहा है। जब उसने फल दिया है तभी तो यहां तक पहुंचाया, भाग्य ने साथ दिया, स्टार्टिंग से ही व्यक्ति को सफलता पे सफलता मिली, तो जितनी सफलता उसने देनी है वो दे उतना ही देगा, उससे ज्यादा तो फल दे नहीं सकता, क्योंकि अन्य ग्रह भी तो है, अकेला वही सब कुछ थोड़ी करेगा। तो इसलिए गुरु का रत्न पहनना भी कोई बहुत बड़ी सफलता आदि कुछ नहीं मिल सकती किसी भी जातक को, यहाँ पर को मतलब अपने जीवन में, कैरियर में, भाग्य वृद्धि आदि के लिए। तीसरे रत्न की बात करते हैं, चंद्रमा का रत्न, भाग्य का रत्न जो है, चंद्रमा का रत्न मोती। अब यो द्वादश में चले गए हैं, द्वादश यानी प्याय स्थान में ग्रहण दोष बना रखा है, तो मोती पहनना कहीं ना कहीं मानसिक चिंता, मति भ्रम, गलत कार्य की ओर चला जाना, गलत मार्ग की ओर चले जाना, इस तरीके का फल चंद्रमा का रत्न मोती यहाँ पर को अवश्य दे सकता है। इसमें किसी प्रकार का कोई संशय नहीं। यदि घर में पौर्णमासी का उपवास नहीं होता हो या शिवाराधना आदि नहीं होती हो, इस तरीके की कोई चंद्र ग्रह जनित या कोई पूजा पाठ नहीं होते, तो अवश्य ही खराब फल जानना चाहिए किसी भी जातक को। अन्यथा ऐसी स्थिति में मोती ना धारण करते हुए जातक को अगर देखा जाए तो घर में पौर्णमासी का उपवास करवाना चाहिए माता के द्वारा या पत्नी के द्वारा। इसके अतिरिक्त जब ऐसी स्थिति नहीं है, विवाह नहीं हुआ है या किसी कारणवश माता नहीं कर सकती है, तो स्वयं नियमित शिव आराधना करनी चाहिए, अन्यथा सोमवार को तो अवश्य भगवान भोलेनाथ के मंदिर पे जाकर उनको जल अवश्य चढ़ाना चाहिए। अब चौथे रत्न जो उनका बनता है, राशि का रत्न किसी भी जातक का, तो डायमंड बनता है, जो कि शुक्र का रत्न है। शुक्र सप्तमेश हैं और व्ययेश हैं और दशम भाव में बैठे हुए हैं, राशि के स्वामी हैं। तो शुक्र का रत्न डायमंड कोई बहुत ज्यादा फायदा नहीं दे सकता है, और एकदम से फायदा देगा लेकिन एकदम से बड़ी प्रॉब्लम है भी क्रिएट कर देगा व्यक्ति के जीवन में, क्योंकि वह मार्केश भी है। तो यहाँ पर को उपरत्नों का खेल बहुत बड़ा हो जाता है। जब ऐसी स्थिति आती है लोग उपरत्नों को बहुत हल्के में ले लेते हैं, लेकिन उपरत्न ही बहुत जबरदस्त और बड़ी बड़ी बाधाओं से बचाने वाले, जो रत्न नहीं कर सकते वो उपरत्न करके दे देते हैं। कभी किसी किसी पत्रिका में ऐसे रत्न लगते हैं, जैसे आज ही हम देख रहे हैं, आपने देखा होगा कि अब ये उपरत्न ही है, व्हाइट कोरल सफेद मूंगा, हमने इसे गोल्ड में तब्दील करवाया क्योंकि इसका बहुत अच्छा रिजल्ट हमें देखने में आया, भले हम स्वास्थ्य की दृष्टि से कहें या किसी भी दृष्टिकोण से कहें, इसने हमें बहुत अच्छा लाभ दिया। तो जब कोई चीज लाभ देती है तो व्यक्ति उसको और वेल करना चाहता है और अच्छा करना चाहता है, तो ये हर किसी के साथ रहता है। तो यहाँ पर को अगर हम इनके ऑल ओवर कहेंगे कि इनको क्या करना चाहिए, तो ये हमने बता दिया कि घर में पौर्णमासी का उपवास अवश्य होना चाहिए, नहीं तो जातक को स्वयं शिव आराधना और हनुमान जी की आराधना अवश्य करनी चाहिए। इसके अलावा रत्न की बात अगर हम करते हैं, तो जब हम कह रहे हैं कि चारों रत्न फायदा नहीं देते हैं, तो कौन से रत्न फायदा देते हैं, तो यहाँ पर उपरत्न फायदा दे जाते हैं। तो उपरत्न में शुक्र का उपरत्न, जो कि इनका अभिनय के क्षेत्र, कला के क्षेत्र से भी है, शुक्र व्यापार का भी दृष्टि, व्यापार भी शुक्र कारक है, दशम मान सम्मान भाव आदि में बैठा हुआ है, अत्यंत महत्वपूर्ण ग्रह हो रहा है, तो इन चीजों में रुकावट ना हो, कमी ना आए, तो इनका उपरत्न फिरोजा, जो कि उपरत्नों में बहुत ज्यादा पावरफुल माना जाता है सभी उपरत्नों में, और विशेष तौर पर शुक्र के उपरत्नों में, तो मान के ही चलिए, भले आप ओपल, चिरकार, स्फटिक,
आदि धारण करते हैं। तो उनसे ज्यादा बेटर आपको ये फिरोजा आपको फायदा दे जाएगा। इसके अलावा जो दूसरा रत्न है इनकी जन्म पत्रिका में, अब देखिए रत्न निकालने के भी कई विधियां होती हैं, कई तरीके होते हैं। ये नहीं कि भाई लग्नेश, पंचमेश, भाग्येश या राशि का रत्न बता दिया और व्यक्ति को विदा कर दिया, ऐसा नहीं। आकलन करना पड़ता है, सब कुछ देखना पड़ता है कि भाई इसमें लगेगा क्या। अब इनको जो अगला लग्न रत्न लगता है वो लगता है टाइगर स्टोन। वो कैसे, देखिए शनि के पास 6 घर है, गुरु के पास 6 घर है, बलि यही बने हुए हैं। गुरु ऑलरेडी उच्च का है और शनि, अगर वैसे हम ऑल ओवर देखें सबकी स्थिति के अनुसार, तो शनि से भी हमें फल प्राप्त हो सकता है। धनेश है और दूसरा प्रत्येश है, सुखेश है, तीसरी दृष्टि सप्तमेश व्यापार भाव में है, लाभ। और इसके अलावा 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 धन भाव में है, तो महत्वपूर्ण ग्रह बने हैं। तो शनि का और गुरु का अगर कहीं पे कॉम्बिनेशन देखा जाता है तो वह टाइगर स्टोन, येलो नेस्ट लिया हुआ जो टाइगर स्टोन होता है उसमें देखा जाता है। टाइगर स्टोन जो कि बुद्धि चीजों को बढ़ाता है, जो रुकावटें आ रही है उनको दूर करता है। टाइगर यानी कि अग्नि के मापिक, जैसे शेर की आंख होती है, टाइगर स्टोन शेर के आगे कोई टिक नहीं पाता है, आंखों के रोशनी के आगे पे आज व्यक्ति को पलक झपकानी ही पड़ सकती है, बल्कि झुकेंगे ही झुकेंगे। तो इस तरीके की जो पावर है वो टाइगर स्टोन में है। और विशेष तौर पर जब गुरु और शनि का कहीं ना कहीं अच्छा कॉम्बिनेशन बन रहा हो तो वहां पर को अवश्य ही धारण करना चाहिए। तो यहां पर को आप देखेंगे कि जो शनि है वह गुरु के घर में बैठे हुए हैं और गुरु की जो सप्तम दृष्टि है शनि के घर में है। यहां से सप्तम दृष्टि शनि के घर में बनी हुई है और नवम दृष्टि से स्वयं अपने घर को और शनि को देख रहे हैं। तो येलो टाइगर स्टोन इनको, ये कितना ही कीमती पुखराज पहन ले, मूंगा पहन ले, मोती पहन ले, डायमंड पहन ले, कोई रिजल्ट नहीं। ऐसा जातक सिर्फ फिरोजा और टाइगर स्टोन से वो रिजल्ट प्राप्त कर सकता है जो कोई रत्न नहीं दे सकते। 84 प्रकार के रत्न होते हैं जिनमें से 75 उपरत्न होते हैं, 9 रत्न होते हैं। तो इनके 2 रत्नों के आगे बाकी के जो 82 रत्न हैं वो सब निष्क्रिय फेल है। आप आकलन कर लीजिएगा किसी भी व्यक्ति की जन्म पत्रिका यदि इस तरीके की है तो उसको अवश्य एक बार धारण करके देखिए। कैरेट का निर्णय हम यहां पर को बता देते, अगर टाइगर स्टोन धारण करना है तो 16 कैरेट या 24 कैरेट का, ये हमारा अपना गणित है और जो कि एक ऐसा गणित कि इस उसमें आप रत्न पहनेंगे तो रिजल्ट अवश्य देगा। पूर्व के एपिसोड में हम आप लोगों को बता चुके हैं यह विधि। तो क्योंकि 12 कैरेट से नीचे का, 12 रत्ती से नीचे का कोई भी रत्न फल नहीं देता। भार उसका जितना ज्यादा होगा उतना ज्यादा वह प्रतिफलदायी होता है। हम कहते हैं कम भार तो कोई वो नहीं है, कम भार वजन का रिजल्ट नहीं देता है, बहुत बिरले लोगों को रिजल्ट मिलता है। और जो हम इसका पैमाना मानते हैं कि वजन से, वजन ऊपर नीचे हो सकता है और उम्र जो है प्रतिदिन बढ़ेगी। तो जन्म पत्रिका में स्थित ग्रहों के दृष्टि आकलन करते हुए निर्णय लिया जाता है। जैसे कि इनके लिए 16 और 24 कैरेट का ये पहन सकते हैं टाइगर स्टोन, और इसी तरीके से 17 कैरेट का या फिरोजा रथ ऐसा जातक पहन सकता है। तो खुद पहनेंगे तो खुद दिखेगा कि भाई आखिर रिजल्ट क्या है, आखिर इसको पहन के क्या अनुभव करेंगे। जैसे मरेंगे तो स्वर्ग दिखेगा, वही चीज है। तो इस जन्म पत्रिका, अगर ऐसी कोई पत्रिका हमारे पास आती है तो हम उसको यही कहते हैं कि लोग कहते हैं कि हमें तो गुरुजी लोग पुखराज बोल रहे हैं, मूंगा पहन रहे हैं, पुखराज मोती पहनो बोल रहे हैं, कोई डायमंड, कोई रिजल्ट नहीं। तो हम तो कभी नहीं बताते हैं, जब बहुत से लोग हैं जिन्होंने हमें पत्रिका दिखाई, हम तो सही आकलन करके भाई ये देखते हैं कि यहाँ पर को जो फल दे सकता है, बाकी वो फल नहीं दे सकते क्योंकि हमारा अपना आकलन रहता है। और लगभग लगभग क्योंकि पिछले कई सालों से हम ज्योतिष का कार्य कर रहे थे, जहां तक हमने देखा है लगभग लगभग जो आकलन है ज्योतिष विधि के अनुसार, ज्योतिष शास्त्र के अनुसार, कई ज्योतिषाचार्यों की हमने ग्रंथ पढ़े, उनके लेख पढ़े, जो उनकी लिखित किताबें हैं उनका अध्ययन किया, तो उस अनुसार इस तरीके से आकलन करके तो यहाँ पे फिरोजा और टाइगर स्टोन ही रत्न निकलता है। इसको धारण करेंगे तो खुद रिजल्ट सामने देखने में आएगा। तो अक्षय कुमार जी की जन्म पत्रिका का हमने विश्लेषण किया, एक संक्षिप्त विश्लेषण हमने आप लोगों को बताया। और जो हम इनसे कह रहे कि सदाबहार, सदाबहार व्यक्ति जो जीवन में लगभग लगभग तरक्की करता रहता है, करता रहता है, भले ही बड़े मुकाम पे, देखो कि राष्ट्रपति होते हैं, प्रधानमंत्री होते हैं, बहुत बड़ी चीज है, ऐसे मुकाम को
और भी कई चीजें हैं किसी भी क्षेत्र में, तो बहुत बिरले लोगों को प्राप्त होते हैं। उसके लिए तो ग्रह ही कुछ ऐसे होते हैं कि जिनकी स्थितियां ही अलग होती है। तो यहाँ पर भी सदाबहार रहने के लिए इनके गुरु उच्च के हैं, बुध स्वग्रही उच्च के हैं, मंगल स्वग्रही है, सूर्य स्वग्रही है, चार ग्रह बहुत अच्छी स्थिति में है। तो चार ग्रह भी अपने घर के और उच्च के हो जाए तो व्यक्ति को जीवन में कभी असफलता का मुंह देखना नहीं पड़ता है, जीवन बहुत अच्छी तरीके से चलते रहता है, गाड़ी रुकती नहीं है, बैक नहीं आती है। तो जानकारी आप लोगों को पसंद आए, क्योंकि किसी भी की भी जन्म पत्रिका हो सकती है। तो हमने नाम तो यहाँ पर को अक्षय कुमार जी की डेट ऑफ बर्थ आदि के अनुसार इसका विश्लेषण किया, लेकिन कई चीजें ऐसी बताई कि अगर व्यक्ति की जन्म पत्रिका आदि में ऐसी स्थिति है तो उन चीजों को आजमा सकता है, फल प्राप्त आजमा सकता है। और अच्छा, जो अगर फल प्राप्त ना हो रहा हो उसे, तो फल प्राप्त भी व्यक्ति कर सकता है, यानी कि उसे फल प्राप्त अवश्य हो सकता है अगर ऐसी स्थितियों पर किसी जातक की जन्म पत्रिका आदि में ग्रह स्थिति है। तो ये जानकारी आप लोगों को पसंद आए, क्योंकि ऐसे बोलते रहेंगे तो काफी लंबा एपिसोड बन जाएगा। पसंद आए तो जरूर आगे बढ़ाकर शेयर कर सकते हैं। नए लोगों से हमेशा आग्रह रहता है, गायत्री ज्योतिष केंद्र के साथ जुड़े, चैनल को सब्सक्राइब करें। अपना ही चैनल है आपका, घर का चैनल है, जैसे आमने सामने बात होती है उस तरीके का चैनल है, कोई बहुत बड़ा हाई फाई चैनल नहीं है, सामान्य गरीब चैनल है आप लोगों का ये। तो यहाँ पर को देखिए, जानकारी पे अमल करिए, जैसा हमने आज तक देखा है विगत 6-7 सालों से लगातार यूट्यूब पे, कि जिन लोगों ने भी जानकारी को आजमाया है उन्होंने बहुत अच्छा चमत्कारिक प्रतिफल प्राप्त किया है। इस बात की पुष्टि, इस बात की गवाही आज से बनाए गए सभी पुराने एपिसोडों के कमेंट बॉक्स में जाकर आप लोग देख सकते हैं। पसंद आई जानकारी तो जरूर आगे बढ़ाकर शेयर भी आप कर सकते हैं। तो मिलेंगे ऐसी किसी बहुत अच्छी जानकारी के एपिसोड के साथ अगले वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार, जय श्री राम, जय श्री कृष्णा, ओम नमः शिवाय।